अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एच पी एल का ऑनलाइन अकाउंट बनाना सिखाएंगे, वो भी घर बैठे, और इसमें कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड भी नहीं है, सिर्फ सी एन आई सी की हेल्प से। आप इसमें करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। कल तो काफ़ी बैंक्स घर बैठे अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी दे रही है, मगर हमने एच पी एल का इंतखाब किया है क्योंकि इसमें काफ़ी जो फीचर्स हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसका जो अकाउंट है वो बिल्कुल इजी है खोलने में। तो इसका जो एक तो फीचर ये है कि इसका जो भी अकाउंट होगा वो फुली फंक्शनल बैंक अकाउंट होगा। फुली फंक्शनल बैंक अकाउंट का मतलब ये है कि आप कहीं भी बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड है वहाँ यूज़ कर सकते हैं, और जो इसका अकाउंट बनेगा वो उसके जो फीचर्स हैं बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम वही होंगे जो आप एक ब्रांच से जाके बनवाएंगे। दूसरी बात, ये ब्रांचलेस अकाउंट नहीं होता, जैसे वॉलेट अकाउंट होते हैं इजी पैसा होता है, जेज कैश होता है, तो वो वॉलेट अकाउंट है, वो ब्रांचलेस अकाउंट है। ये जो हम आज ओपन करने जा रहे हैं ये वॉलेट अकाउंट नहीं है, ये फुली फंक्शनल बैंक अकाउंट है, ठीक है। तो इसका ब्रांच कोड भी होगा, इसकी ब्रांच भी सिलेक्ट करनी होगी। इसमें आपको एटीएम कार्ड मिलेगा, एटीएम या डेबिट कार्ड जिसको हम कहें, चेकबुक मिलेगा आपको, आईबीएन मिलेगा, मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है, एसएमएस अलर्ट वगैरह जो भी एक नॉर्मल अकाउंट की फैसिलिटीज़ होती है वो सब आपको इस अकाउंट में भी मिलेगी, क्योंकि ये भी फुल फंक्शनल बैंक अकाउंट है। इसमें मज़े की बात ये है कि इस अकाउंट में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ सीएनआईसी रिक्वायर्ड है और आपका वहाँ पे मौजूद होना लाजमी है। जब अकाउंट बना रहे हैं तो आपका मौजूद होना लाजमी है, क्योंकि इसमें लाइव पिक्चर लगेगी, बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये अकाउंट आपका विद इन वन डे ओपन हो जाता है, अगर आप मॉर्निंग में वर्किंग डे में ओपन करते हैं तो शाम तक आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है, समटाइम्स 2 दिन भी लग जाते हैं, तो मैक्सिमम 3 डेज के अंदर अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, और आपको घर बैठे एटीएम कार्ड भी आपके डोर स्टेप पर मिल जाएगा। होप आपको सब समझ में आ गया होगा जो भी मैंने बैंक अकाउंट के फीचर्स और रिक्वायरमेंट्स बताई है। अब हम बैंक अकाउंट ओपन करने की तरफ चलते हैं। मेरे पास लैपटॉप है तो मैं लैपटॉप से बना रहा हूँ, आपके पास मोबाइल है मोबाइल से भी आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सेम ही फीचर्स आएंगी, सेम स्क्रीन व्यू होगा, आप मोबाइल से स्टार्ट करें अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो, अगर लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, लैपटॉप से स्टार्ट कर लें। वेब ब्राउज़र ओपन कर लें, मेरे पास क्रोम है, क्रोम ओपन कर लेता हूँ। इसमें लिखें डिजिटल एच पी एल डिजिटल अकाउंट ओपनिंग, और फर्स्ट नंबर पे आएगा इसको ओपन कर लें। ओपन करके इसको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दें, नोटिफिकेशन को अलाउ कर दें और उसको भी अलाउ कर दें। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहे हैं, मतलब एच पी एल पे पहले कभी ट्राई नहीं किया, तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करें, ठीक है। और अगर आपने पहले अकाउंट के लिए अप्लाई किया था और अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ किसी वजह से, कोई इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट वगैरह थी, तो आप अपडेट पे क्लिक करके इन्फॉर्मेशन करेक्ट करके अपडेट कर सकते हैं, और फॉर्म दोबारा आपका अप्रूवल के लिए जाएगा। और अगर आपने अप्लाई कर दिया है कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप इसको स्टेटस भी एप्लीकेशन का चेक कर सकते हैं कि रिजेक्ट हो गई या अप्रूव हो गई या अभी वेटिंग में है। जैसे कि आज हम बैंक अकाउंट शुरू से बनाएंगे, न्यूली अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, और हम स्टार्टिंग में अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसमें आपने टिक लगा देना है और ऊपर लोकेशन की एक्सेस भी अलाउ कर देनी है, और इस स्टेप पे आपने क्लिक करके टिक कर लगा के 1 मिनट तक वेट करना है और देन सबमिट करना है। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। एक फर्स्ट वाला है, वो आप तो क्लिक करें अगर आप 18+ हैं और अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपकी अंडर 18 एज है तो आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करें, वो माइनर अकाउंट बनेगा और आपके गार्डियन के वेरिफिकेशन के बाद बनेगा, ठीक है। उसमें जो डिटेल्स आपकी और आपके गार्डियन की दोनों यूज़ होंगे, इट मीन आप अंडर 18 का अकाउंट भी यहां से बना सकते हैं। अगर आप 18+ हैं, अपने लिए अकाउंट बना रहे हैं, अपना सीएनआईसी यूज़ करेंगे तो फर्स्ट वाला क्लिक करें। जैसे कि हम आज अकाउंट जो बनाने जा रहे हैं वो 18+ का है, और इसके लिए हम फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं। आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करें अपने हिसाब से, अगर अपने लिए बना लें तो फर्स्ट वाला सेलेक्ट करके आपने अगेन 1 मिनट का वेट करना है। अगर जो मैं वेट का बता रहा हूँ वो नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, ठीक है।
अगर प्रॉब्लम नहीं आती तो वेल एंड गुड, अगर कोई इस स्टेप इशू आ रहा है तो 1 मिनट का वेट आपने करके देन क्लिक करना है तो कोई इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। और सिलेक्ट करके आप देन नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पेज ये आएगा, इसमें आपकी CNIC की वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। आप इसका CNIC नंबर लिखें और पिक्चर्स अपलोड करें। एक साइड आपने फ्रंट की अपलोड करनी है और दूसरी साइड बैक की अपलोड करनी है। देन आपको CNIC नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, और मोबाइल नंबर वो लिखना है जो आपके CNIC पे सिम हो। उसके बाद CNIC की इशू डेट लिखें और ईमेल एड्रेस लिखें। आपने ईमेल एड्रेस वो लिखनी है जो आपके मोबाइल में लॉगिन है, क्योंकि उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगी जो यहाँ आपको पुट करनी होगी। मैंने अपना CNIC भी अपलोड कर दिया है और जो डेटा थी वो भी मैंने फिल कर दी है, और इस स्टेप पे OTP मांग रहा है और OTP मेरे जीमेल पे आ गई थी, वो मैंने लगा दी है और वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ मैं। OTP का अगर आपको मतलब पता नहीं है तो OTP कोड को कहते हैं, ठीक है। जीमेल आपकी पे कोड आएगा जो यहाँ इंटर करना है, मैंने ऑलरेडी इंटर कर दिया। तो हम रेगुलर अकाउंट सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें रेगुलर अकाउंट बनाना है। और उसके बाद ऑक्यूपेशन, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, जैसे कि अपने लिए पर्सनल बना रहा हूँ, और तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड कर देता हूँ। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आपकी सैलरी वगैरह आती है तो सैलरीड करें, और अगर आप फैमिली से पैसे लेते हैं, स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट को सिलेक्ट कर दें, अगर फ्रीलांसर हैं तो फ्रीलांसर को सिलेक्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद अगर आप आम यूज़ के लिए बना रहे हैं अकाउंट तो करंट कर दें, अगर सेविंग पर्पज़ के लिए बना रहे हैं तो सेविंग अकाउंट सेलेक्ट कर दें। HPL की जो भी बैंक ब्रांच आपके नज़दीक हो और उसको सिलेक्ट कर लें, और जिस सिटी में हो वो सिटी भी सिलेक्ट कर दें। और इस पेज पे आपको आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो फिल करनी है, ठीक है। आपका CNIC पे जैसे नेम है वो लिखें, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ है, सिटी किस में आपकी बर्थ हुई थी, आपके मदर का नाम है, ठीक है, और आपके फादर का नाम है, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप लिख लें। तो मैं भी अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ। लास्ट में डू यू हैव ए डॉल नेशनलिटी, इसमें भी नो कर दें, अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में रहते हैं तो भी नो कर दें। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, सिर्फ आप पाकिस्तान में रहते हैं, फॉरेन में नहीं रहते तो आप नो कर दें, ठीक है। सिर्फ आप पाकिस्तान सिटीजन हैं तो दोनों में नो कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। और इस पेज पे आपको आपके प्रोफेशन के बारे में बताना है, ठीक है, वर्क इंडस्ट्री वगैरह, आप कौन सा काम करते हैं और कहाँ पे करते हैं, ठीक है, वो सब कुछ आपको इसमें बताना है इस पेज पे। जैसे कि मैं बिज़नेस के लिए ओपन कर रहा हूँ तो प्रोफेशन मैंने बिज़नेस सेलेक्ट कर दिया है। जैसे कि मैं एक शॉपकीपर हूँ तो मैंने जो इंडस्ट्री ऑफ वर्क है उसमें रिटेलर एंड ट्रेडर्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब सेलेक्ट योर वर्क, फील्ड ऑफ वर्क पूछ रहा है। जैसे कि मैं शॉपकीपर हूँ तो जनरल स्टोर है, तो मैंने जनरल हाउस होल्ड किराना स्टोर कर दिया है। और पूछ रहा है कि हु विल मैनेज दिस अकाउंट, तो ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ तो मैंने सेल्फ कर दिया है। और इसको कंफर्म करके आपने नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट पेज हमसे पूछ रहा है कि आपको डेबिट कार्ड चाहिए यानी ATM कार्ड, तो हमने येस कर दिया है और ATM कार्ड आप सेलेक्ट कर लें। तो मेरे लिए पेपाक क्लासिक सही रहेगा क्योंकि इसकी जो फीस है वो भी कम है और पेपाक फर्स्ट ईयर फ्री भी है और इसकी डेली ट्रांजैक्शन लिमिट 50,000 है, मेरे लिए इनफ है। अगर आपको अच्छे वाला कार्ड चाहिए जिसको आप इंटरनेशनल यूज़ कर सकें या इसकी डेली लिमिट ज़्यादा हो, तो आप मास्टर कार्ड क्लासिक भी सेलेक्ट कर सकते हैं या वीज़ा क्लासिक कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके डिफरेंट ATM कार्ड्स के बारे में मालूम कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। अगर आप नॉर्मल हो और नॉर्मल यूज़ के लिए चाहते हो तो आप फर्स्ट वाला कर लें, मेरे हिसाब से सही रहेगा पेपाक क्लासिक की इतनी फ़ीस भी नहीं है, फर्स्ट ईयर फ्री भी है, और देन आपको रेगुलर पर ईयर चार्जेस जो लगेगी वो बिलो 1500 लगेगी। अगर मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड की तरफ जाते हैं
तो वो एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं तो उसके लिए वीज़ा और मास्टर कार्ड रिक्वायर्ड होता है, बट मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड की जो पर ईयर चार्जेस होती है वो पेपाक से थोड़ी ज़्यादा होती है। ना अगेन नेम लिख लें जो आपके CNIC कार्ड के हिसाब से है, और आपकी एड्रेस भी लिख दें एंड जिस पे आपको ATM कार्ड भेज दिया जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी CNIC वाली एड्रेस इसमें मेंशन होती है, बट अगर आप दूसरी किसी एड्रेस पे अपना ATM कार्ड रिसीव करना चाहते हैं तो इसमें एड्रेस आप चेंज कर लें। और उसके बाद आपको ई स्टेटमेंट्स का कहता है, वो आप पहले नो कर दें क्योंकि इसके एक्स्ट्रा चार्ज लगेगी, और SMS अलर्ट को भी ऑफ कर दें। ये सब चीज़ें आपको मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग में मिल जाएंगी क्योंकि आप ऐप बना लेना, उसमें बैलेंस वगैरह सब आप देख सकते हैं। तो SMS अलर्ट वगैरह की मुझे नहीं लगता कोई नीड है, अगर आपको नीड है तो येस कर दें। अगर येस करेंगे तो इसकी एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगी, मंथली होती है। ऑप्शंस आपने सेलेक्ट कर लिए हैं तो अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। दोस्तों आज की एप्लीकेशन का ये लास्ट स्टेप है, इसमें आपने कैमरा के आइकन पे क्लिक करके आपकी उसी वक्त की एक तस्वीर खींच के अपलोड कर देनी है। कोई भी मोबाइल में ऑलरेडी पिक्चर्स पड़ी है उनमें से कोई सिलेक्ट नहीं करनी, आपने आपकी पिक्चर उसी वक्त सिलेक्ट करनी है। अलाउ करके कैप्चर पे क्लिक करके, अपनी कैमरा ऑन करके कैप्चर पे क्लिक करके आपने एक तस्वीर निकाल लेनी है और देन सेलेक्ट कर देना है। मेरे पास कैमरा ऑफ है, आपने कैमरा ऑन करके अपनी तस्वीर लेके ओके कर देना है और देन सबमिट कर देना है। तो ये HPL की टर्म्स एंड कंडीशंस है, आपने एक बार रीड करके इस पर टिक लगा के देन आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपकी जो एप्लीकेशन थी वो सबमिट हो चुकी है, और अप्रूवल के बाद आपको एक मैसेज SMS भी आएगा और ईमेल के ज़रिए भी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, या अगर कोई आपके अकाउंट में इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट दी थी तो आपको मैसेज या ईमेल के ज़रिए बता दिया जाएगा कि आपके जो एप्लीकेशन थी उसमें फ़लाँ चीज़ इनकरेक्ट है, आप जाके करेक्ट कर लें। अगर आपको एक या दो दिन के बाद कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता HPL का, तो आपने करना ये है कि आपने मैंने जो फर्स्ट स्टेप में आपको बताया था अप्लाई नाउ, अपडेट और स्टेटस, ये तीन चीज़ें आपको बताई थी, तो उसी पेज पे जाके आपने स्टेटस पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देख लेना है कि अगर अंडर रिव्यू है तो आप छोड़ दें, अगर उसमें कोई इश्यू है तो आप बैक जाके अपडेट पे क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर लेनी है। और दूसरी बात, मैंने एप्लीकेशन के स्टार्ट में आपको बताया था कि मैं आपको चेक के बारे में भी बताऊंगा कि चेक कैसे मंगवाना है। तो चेक बुक जो होती है वो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपका अकाउंट जब अप्रूव हो जाएगा तो आपने HBL ऐप पे आपको रजिस्टर कर देना है, और HBL ऐप में ऑर्डर चेक बुक का ऑप्शन होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि HBL ऐप के बारे में भी एक वीडियो बनाऊँ, बट फिलहाल मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई, पर मेरी कोशिश होगी कि मैं HBL ऐप पे भी एक वीडियो बना दूं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी रहनुमाई कर सकूं।